खेल संग्राम में आप सभी का स्वागत है। ईरानी कप का मुकाबला रेस्ट ऑफ इंडिया और रणजी चैंपियन विदर्भ के बीच खेला गया, जो पांचवें दिन ड्रॉ के साथ खत्म हुआ। लेकिन पहली पारी में 410 रनों की बढ़त लेने वाली विदर्भ की टीम ईरानी कप की विजेता बनी। तो ये जानते हैं नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले का पूरा हाल। टॉस जीतकर विदर्भ ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी विदर्भ की शुरुआत बेहतरीन रही। फैज फजल और संजय रामस्वामी ने पहले विकेट के लिए 101 रन जोड़े। संजय रामस्वामी 53 रन बना जयंत यादव की गेंद पर समर्थ को कैच देकर पवेलियन लौटे। वही 89 रन बनाकर खेले कप्तान फैज फजल को रविचंद्रन अश्विन ने नवदीप सैनी के हाथों कैच करा विदर्भ का दूसरा विकेट झटका। इसके बाद गणेश सतीश और वसीम जाफर ने तीसरे विकेट के लिए 289 रन जोड़े। गणेश सतीश 10 चौके और 2 छक्के लगा 120 रन की पारी खेलने के बाद सिद्धार्थ कौल की गेंद पर विकेटकीपर श्रीकर भरत को कैच दे बैठे। वहीं वसीम जाफर ने 34 चौके और 1 छक्के के साथ 286 रन की शानदार पारी खेली। अपने तिहरे शतक से सिर्फ 14 रन दूर वसीम जाफर मैच के तीसरे दिन सिद्धार्थ कौल की गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके बाद अक्षय वाडकर 37, आदित्य सर्वते 18 और अक्षय वखारे 0 पर पवेलियन लौटे। हालांकि गिरते विकेटों के बीच अपूर्व वानखेड़े ने 16 चौके और 6 छक्के लगा 157 रन की नॉट आउट पारी खेली। वही रजनीश गुरबानी भी 22 रन बना नॉट आउट रहे। इस तरह चौथे दिन विदर्भ ने अपनी पहली पारी 7 विकेट पर 800 रन बना घोषित की। रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए सिद्धार्थ कौल ने 2 विकेट झटके, जबकि रविचंद्रन अश्विन, शहबाज नदीम, जयंत यादव, हनुमा विहारी और मयंक अग्रवाल ने 1-1 विकेट झटकाए। जवाब में उतरी रेस्ट ऑफ इंडिया की शुरुआत खराब रही। रवि कुमार, समर्थ, मीना कोई रन बनाए पवेलियन लौटे, तो वही मयंक अग्रवाल 11 और कप्तान करुण नायर 21 के स्कोर पर चलते बने। 7 चौके और 1 छक्का लगा 51 रन बनाकर खेल है ओपनर पृथ्वी शॉ आदित्य ठाकरे की गेंद पर अपूर्व वानखेड़े को कैच देकर चलते बने, जबकि श्रीकर भरत 0 और रविचंद्रन अश्विन 8 रन बना रजनीश कुरबानी का शिकार बने। 98 रन पर ही 6 विकेट गवा देने के बाद रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम बैकफुट पर नजर आ रही थी। लेकिन इसके बाद हनुमा विहारी और जयंत यादव ने 7वें विकेट के लिए 216 रन जोड़े और अपनी टीम का स्कोर 300 रनों के पार कराया। जयंत यादव 96 रन बना आदित्य सर्वते की गेंद पर स्टंप आउट हुए। शहबाज नदीम भी 15 रन बना आदित्य सर्वते की गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके बाद सिद्धार्थ कौल 2 रन बना उमेश यादव की गेंद पर सिद्धेश को कैच देकर चलते बने। वही 23 चौके और 3 छक्के लगा 183 रन की पारी खेलने के बाद हनुमा विहारी आदित्य सर्वते की गेंद पर अपूर्व वानखेड़े को कैच दे बैठे, जबकि नवदीप सैनी 0 पर नॉट आउट रहे। इस तरह रेस्ट ऑफ इंडिया की पहली पारी 390 रन पर सिमट गई और विदर्भ ने 410 रनों की बढ़त हासिल की। विदर्भ के लिए रजनीश कुरबानी ने 4 और आदित्य सर्वते ने 3 विकेट झटके, जबकि उमेश यादव ने 2 और आदित्य ठाकरे ने 1 विकेट हासिल किया। पांचवे और आखिरी दिन का खेल खत्म होने तक विदर्भ ने बिना कोई विकेट गवाए 89 रन बनाए। संजय रामस्वामी 27 और अक्षय वाडकर 50 रन बना नॉट आउट रहे। इस तरह इस ड्रॉ मुकाबले में पहली पारी में बढ़त बनाने वाली विदर्भ की टीम इस मैच की विजेता बनी। 286 रन की शानदार पारी खेलने वाले विदर्भ की जीत के हीरो वसीम जाफर मैन ऑफ द मैच बने।